वेलकम बैक टू शोबिज़ डायरीज। मीरा के ड्रामे आखिर कब खत्म होंगे? एक तो इन मैडम को फिल्म में ले लिया, ऊपर से इनसे एक्शन सीन भी करवा लिए। बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मीरा का आजकल एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें मीरा का कहना है कि शूटिंग के दौरान जख्मी होने की वजह से मेरा बाजू फ्रैक्चर हो गया। जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है कि मीरा के हाथ पर पट्टी भी बनी हुई है और वो बीमार भी लग रही हैं। यहाँ मीरा अपनी स्टोरी सुनाती है। मैं अपनी नई फिल्म के दौरान एक एक्शन सीन कर रही थी और अचानक इसी दौरान एक हादसा पेश आया और मेरा बाजू फ्रैक्चर हो गया और आज मैं आप सबके सामने जख्मी हालत में बैठी हुई हूँ। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब भी मैं फिल्म की शूटिंग करती हूँ तो पूरी तरह उस किरदार में खो जाती हूँ और हकीकत की तरह उस किरदार को अदा करती हूँ, इसलिए ऐसा सब कुछ हुआ क्योंकि मैं अपने काम को बहुत संजीदा लेती हूँ। मीरा ने मजीद कहा कि डॉक्टर्स ने मुझे आराम का मशवरा दिया है और कहा कि इनका बाजू ठीक होने में 3 से 4 हफ्ते भी लग सकते हैं। आप लोगों को मीरा और उनके ड्रामे कैसे लगते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।